असल व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का हमारा मौजूद है इम्प्लीकेशन ऑफ कर्ट लिवाइन मॉडल और इससे पहले हम गुजशत लेक्चर में डील कर चुके हैं कि कर्ट लिवाइन मॉडल क्या है कर्ट लिवाइन मॉडल को बेसिकली पहले मैं समराइज़ करना चाहूँगा कि यह मॉडल क्या है ताकि आपके जहनों में ताज़ा हो जाए कर्ट लिवाइन मॉडल बेसिकली थ्री स्टेज मॉडल है और ये थ्यूरी ऑफ प्लान बिहेवियर के बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल है नी थ्यूरी ऑफ प्लान बिहेवियर में हम कहते हैं जब हम किसी को डेली ब्रेटली उसका बिहेवियर चेंज करना चाहें तो कर्ट लिवाइन मॉडल जो है वो सबसे ज्यादा मशहूर और फेमस है एकेडमिक वर्ल्ड में और चेंज मैनेजमेंट सब्जेक्ट में तो मॉडल यह है कि सबसे पहले हम इफ यू रिमेम्बर के हम कहते हैं कि जो उसकी फर्स्ट स्टेज है वो है अनफ्रीज सेकेंड स्टेज है चेंज थर्ड स्टेज है री फ्रीज अब अनफ्रीज का क्या मतलब है उसको समी में समरी उसकी बयान करूंगा कि उसका मतलब है कि हम एक डिसकन्फर्मेशन पैदा करें एग्जिस्टिंग पैराडाइम में या एग्जिस्टिंग वर्ल्ड व्यू में या जो भी हमारा चेंज टारगेट है उसके जहन में एक डिसकन्फर्मेशन discon, और डिसबिलीव पैदा करें कि ये चीज़ जो है ये सही नहीं है ऑन गोइंग सिस्टम बेसिकलीट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट यू नीड टू चेंज और चेंज का पर्पज क्या है टू इन्हेंस प्रोडक्टिविटी टू ब्रिंग एन एफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस अब दूसरा जब हम उसके जहन में एक कॉगनेटिव लेवल पे हम चेंज ला चुके होते हैं फिर चेंज लाना आसान है तो रिफ्रीज यानी मूवमेंट फॉर चेंज मूवमेंट में चेंज में क्या होता है बेसिकली हम एक्चुअल स्टेप लेते हैं कि क्या हमने करना है? किस मैथड से लेना है डायरेक्ट मैथड हो या इनडायरेक्ट मैथड हो वो हम चेंज लाते हैं सेकेंड स्टेज का खुलासा यह है कि उसके दो हिस्से हैं जैसा कि हम पढ़ चुके हैं एक तो है आइडेंटिफिकेशन लाइक like, चाहे इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो उसने आइडेंटिफाई करना है कि उसके लिए रोल मॉडल कौन है ये रिलेट करता है बेसिकली कॉपिंग बिहेवियर पे या इमिटेशन के लिए कि हम रोल मॉडल हमारे सामने होगा तो चेंज लाना चेंज की मूवमेंट बहुत आसान हो जाएगी एक तो आइडेंटिफिकेशन हो गया सेकेंड है इंटरनलाइजेशन इंटरनलाइजेशन का मतलब यह है कि वो मेरे बिहेवियर की जो चेंज मैं अपने आप को करने जा रहा हूँ वो बिहेवियर का हिस्सा बन जाए बल्कि इस सिलसिले में यह भी कहना चाहूंगा कि एक थ्यूरी नॉलेज के हवाले से यह है कि वट इज नॉलेज समथिंग विच इज मैनिफेस्टेड इन योर एक्शन और बिहेवियर यानी नॉलेज वो है जो आपके बिहेवियर का हिस्सा हो ना ये कि वो आप जो सुनते हैं और देखते हैं या आपने जैसे बहुत सारी स्पीचेस सुनते हैं लीडर्स की और प्रोफेसर कीडमिक्स अकेड़िक, की या अखबार पढ़ते हैं स्टेट ऑफ आर्ट नॉलेज देखते हैं वो नहीं बल्कि जिस चीज को आपने जहन में जगह दी इंटरनलाइज किया और वो आपके बिहेवियर की सूरत में मैनिफेस्ट हुई लेकिन जिसका मतलब ये है कि आपने उस पे अमल किया लाइक एक्शन इज बेसिकली अ गुड मैनिफेस्टेशन फॉर व्हाट नॉलेज यू यू हैव तो सेकेंड स्टेज है जिसे हमने मूवमेंट कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके दो हिस्से हैं एक तो आइडेंटिफिकेशन और दूसरा इंटरनालाइजेशन इसी तरह थर्ड स्टेज फिर आ गई थर्ड स्टेज का मतलब है रीफ्रीज रीफ्रीज का मतलब है बिहेवियरल री जो हम चेंज ला चुके हैं उसको कंसोलिडेट करना है रीफ्रीज के लिए एक जो वाइटल इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि उसको हम टाई अप कर दें इबलिंग एनवायरनमेंट में लाइक like एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा चाम हो के आप आ, का जो बिहेवियर है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए मॉडिफाई हो जाए दूसरा इसका इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में एंटरप्रन्यस uh, या मैनेजर्स या सीनियर एग्जेक्टिव वो चाहते हैं कि एम्प्लॉई का बिहेवियर चेंज हो जाए तो और पॉजिटिव सेंस में चेंज हो तो उसको रिवॉर्ड के साथ यानी परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड का लिंकेज इस्टेब्लिश करना है और ये लिंकेज इंप्लॉई परसीव करे तभी वो कनेक्ट कर पाएगा ओके इफ आई एम गोइंग टू परफॉर्म देन आई एल बी रिवॉर्डेड और इसमें लिंकेज होना चाहिए दैट इज एन इंपॉर्टेंट सो हमने ये देखा और रिकैप किया कर्ट लिवाइन मॉडल क्या है उसके तीन स्टेजेस हैं अनफ्रीज यानी साइकोलॉजिकल शेकअप और कॉग्नेटिव लेवल पे एक आपको थोड़ा सा जो चेंज टारगेट को है वो शॉक मिलना चाहिए डिस्टरबेंस होनी चाहिए कि एग्जिस्टिंग थिंग्स एंड सिस्टम आर नॉट गोइंग वेल सेकंड मूवमेंट फॉर चेंज जिसकी आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन उसका मेन टेक्निक्स हैं और थर्ड स्टेज है रीफ्रीज यानी हम उस बिहेवियल मॉडिफिकेशन में परफॉर्मेंस रिवॉर्ड लिंकेज को हम इम्फिसाइज करते हैं ये तो आपको थोड़ा लिवाइन मॉडल क्या है इन क्राक्स और अब हम रिलेट करते हैं इसको आज के मौजू के साथ लिवाइन मॉडल की कॉन्सिक्वेंसिस क्या है और उसकी इम्प्लीकेशन क्या है तो आज का टॉपिक है बेसिकली इम्प्लीकेशन ऑफ कर्ट लिवाइन मॉडल और इससे लेकिन इस बात सारे से करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कर्ट लेवाइन मॉडल के लिए जो टेक्निक ऑर्गेनाइजेशन में या इवन सोशल लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है वो बेसिक है कम्युनिकेशन यानी थ्रू कम्युनिकेशन वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन चेंज हमने कम्युनिकेट करना है उस कम्युनिकेशन में जितना इन्फ्लुएंस होगा जितना असर होगा और डिजायर्ड जो चेंज टारगेट है उसको कितना एक्सेप्ट uh, करता है या नहीं करता ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है कम्युनिकेशन की एक स्ट्रैटेजी है जिसमें हम हर वक्त इन्वॉल्व रहते हैं हमारी सोसाइटी में भी और ऑर्गेनाइजेशन में है वो ये है कि हम दूसरे को बताते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है इस चीज़ को हम कहते हैं फीडबैक ये वर्ड आपने साइंस के स्टूडेंट के तौर पे पढ़ा होगा कि सिस्टम उस वक्त तक कम्प्लीट नहीं होता जिसमें जब तक फीडबैक ना हो लाइक like सिस्टम के एलिमेंट्स ये हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट और फिर आउटपुट से दोबारा फीडबैक आता है जो इनपुट की तरफ आता है या प्रोसेसिंग की तरफ लाइक like, जब तक हम दूसरे को कम्युनिकेट नहीं करेंगे कि क्या चेंज हम लाना चाहते हैं और एग्जिस्टिंग लेवल पे क्या हो रहा है और क्या हम बेसिकली हमारे डिजायर्ड गोल्स हैं या डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं तब तक ये चीज कंप्लीट नहीं होगी इसके लिए बहुत कॉर्पोरेट सेक्टर में या ट्रेनिंग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं फीड आ, ट्रेनिंग ऑन फीडबैक बेसिकली फीडबैक पर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में या ऑर्गेनाइजेशंस में या मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में बहुत ज्यादा इम्फिसाइज है कि हाउ टू गिव फीडबैक टू योर कोलिग्स हाउ टू गिव फीडबैक टू योर बॉसेस हाउ टू गिव फीडबैक टू योर सबोर्डिनेट हाउ टू

कन्फ्रंटेशनल मोड आ सकता है उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी प्रमोट हो सकता है तो इसकी मैं ये कर्ट लिवाइन बेसिकली मॉडल की सिग्निफिकेंस में या उसकी इम्प्लिकेशन में एक चीज़ है जिसको हम बहुत ज़्यादा जो मैनेजीरियल uh, लेवल पे या इंडिविजुअल के लेवल पे हम अपनी कम्युनिकेशन को बेसिकली कर, इम्प्रूव uh, करना चाहिए uh, ताकि हम डिजायर्ड चेंज टारगेट्स अचीव कर सकें अब हम अपने आज के बेसिक मौजू पे आते हैं कि कर्ट लेवाइन मॉडल की इम्प्लीकेशन क्या हैं या उसके कॉन्सिक्वेंसेज और उसके सिग्निफिकेंस क्या है और उससे हम क्या लेसन लर्न कर सकते हैं तो सबसे पहला लेसन जो हम लर्न करते हैं वो ये है कि चेंज कैन बी डायरेक्टेड मैनेज एंड कंट्रोल यानी कर्ट लेवाइन साहब ये कहते हैं कि चेंज को जो है वो ह्यूमन कंट्रोलेबल फिनना है और इट कैन बी मैनेज्ड, इट कैन बी डायरेक्टेड ये हम किसी एक स्पेसिफिक uh, 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 किसी चीज़ की तरफ uh, किसी डिजायर्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हम मूव कर सकते हैं हम चेंज कर सकते हैं बिहेवियर जो है वो इट्स अ चॉइस्ड बिहेवियर बेसिकली यानी इंसान का जो बिहेवियर है वो ये नहीं है कि समथिंग विच इज़ प्री यानी जो तकदीर में है या आप कह लें कि वो जेनेटिकली गवर्नड है या वो ट्रेडिशनल ट्रेड बेस्ड अप्रोच है कि इंसान में जो इनहेरिट की हैं जो ट्रेड्स वही आ, चले आएंगे मॉडर्न जो लिटरेचर है या मॉडर्न जो थिंकिंग है वो ये है कि एवरीथिंग कैन बी लर्न बिजनेस कैन बी बिजनेस कैन बी लर्न मैनेजमेंट कैन बी लर्न अब उसमें अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच को देखें तो हम कहते हैं कि लीडर्स आर बॉर्न लीडर्स मैनेजर्स आर बॉर्न लीडर्स या इवन बिजनेस को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कुछ कम्यूनिटीज़ जो सदियों से बिजनेस करते आ रही हैं या कुछ मैनेजर्स जो शुरू से ही आ, यानी इनहेरिटेंस बेसिस पे या ट्रेडिशनल एलोकेशन ऑफ जॉब्स की बेसिस पे वो ये काम करते चले आए हैं सो ये अब भी वही काम करेंगे लेकिन नहीं मॉडर्न इकोनॉमी में बेसिकली ये थिंकिंग है कि एवरीथिंग कैन बी लर्न एंड इट्स अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ अ पर्सन और आप साइकोलॉजिकली जितना मोटिवेटेड हैं या इवन बिहेवियरली आप जितना मोटिवेटेड हैं आप वो चीज लर्न कर सकते हैं सो एवरीथिंग कैन बी लर्न बेसिकली ये मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग का क्रक्स है कि हम हर वक्त और हर चीज लर्न कर सकते हैं और इंसान में यूनिक एट्रीब्यूट हैं वो हर चीज लर्न कर सकता है और हर चीज उसकी बेसिकली उसमें लर्निंग कैपेसिटी मौजूद है कि अगर उसमें वो इंटरेस्ट रेज हो जाता है और वो प्रोवोक करने के काबिल होता है तो वो चीज लर्नेबल है सो कर्ट लेवाइन मॉडल ये कहती है कि जो भी इवन चेंज आती है वो भी हम लर्न कर सकते हैं सो दिस इज समिंग विच इज रिलेटेड विद लर्निंग और सोशल भी है अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइंस या साइंटिफिक फिनोमिना को जब हम सोशल uh, आस्पेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो सोशल साइंसिस का क्या मकसद है बेसिकली तो सोशल साइंस का भी इस तरह मकसद है कि हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं जिस तरह हम थर्मोस्टेट के जरिए रूम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं उसे फाइन ट्यूनिंग हम देते हैं कि और स्पेसिफिक मोमेंट हम डिफाइन करते हैं कि इतने डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए इसी तरह जम्पशन ये है जब हम मैनेजमेंट और मैनेजीरियल बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो उसमें भी जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं या मैनेजमेंट रिसर्चर और स्कॉलर्स हैं वो अज्यूम करते हैं कि इसे हम साइंटिफिक बेसिस पे स्टडी कर सकते हैं और साइंटिफिक बेसिस का मतलब क्या है कि ये डीकम्पोज किया जा सकता है मैनेजर uh, का बिहेवियर कुछ फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स पे और अगर हम उन कॉन्स्टिचुएंट कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर लें तो हम मैनेजर के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस मैनेजर क्या मोटिवेटेड है आ, आप कह सकते हैं एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन या मोटिवेटिंग फैक्टर से या इंट्रेंसिक मोटिवेटिंग फैक्टर्स अब ये एक्सट्रेंसिक मोटिवेटिंग फैक्टर्स आपने ऑलरेडी थ्यूरीज ऑफ मोटिवेशन में पढ़ा होगा तो क्या चीज है जो मैनेजर के बिहेवियर को कंट्रोल करती है गवर्न करती है क्या चीज है जो मैनेजर के बिहेवियर को चेंज करती है सो वी हैव टू लर्न दिस सो फर्स्ट लेसन कर्ड लिवाइन मॉडल का है कि चेंज कैन बी डायरेक्टेड चेंज कैन भी मैनेज एंड चेंज कैन भी कंट्रोल यानी यह ऑप्शनल बिहेवियर है इसका क्रक्स यह है कि बिहेवियर इंसान की चॉइस है और बिहेवियर इंसान का ऑप्शनल है सो वट एवर वी वॉन्ट टू डू वी कैन डू ये तो बेसिक फर्स्ट उसकी सिग्निफिकेंस है सेकेंड इसमें यह है कि चेंज मॉडल में उसने रिकोगनाइज किया है रेजिस्टेंस को और एक्सप्लिसिट रिक्निशन दी है कि रेजिस्टेंस फिनोमिना

एम्प्लायड so, अगेन ये हो जाएगा मैसेज कि हमें अगर सक्सेसफुली चेंज लानी है तो हमने रेजिस्टेंस की फोर्सेस को ओवरकम करना है और उसे बेसिकली रिसेसिव बनाना है और पॉजिटिव फोर्सेस को डोमिनेट करना है और ताकि हम सक्सेसफुली चेंज ला सकें ये तो इसकी सेकंड सिग्निफिकेंस है कि जहां पे वो एक्सप्लिसिट रिक्निशन देता है कि देर विल ऑलवेज बी सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस वेन यू गो फॉर चेंज नाउ थर्ड थिंग इज दैट दिस रेजिस्टेंस वंस इट इज आइडेंटिफाइड दिस कैन बी ओवरकम दिस कैन बी ओवरकम थ्रू गुड मैनेजर बाय गुड मैनेजमेंट एंड गुड लीडरशिप अब उसमें आइडेंटिफाई पर्पज ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि हमारा एग्जिस्टिंग लीडरशिप या मैनेजमेंट स्टाइल क्या है और फिर डिजायर्ड लीडरशिप स्टाइल क्या होना चाहिए क्या हम फॉर्मल लेवल पे मैनेज करें या हम इनफॉर्मल भी अपने आ, आ, मकसद अचीव करने के लिए यानी जहां पे हम मोटिवेट करें अपने मैनेजर्स को या इंस्पायर करें या इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन करें तो एक्सटेंट ऑफ फॉर्मलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन को हमने डिफाइन करना है अच्छा आजकल ये चेंज मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन डेवेलपमेंट या इस किस्म के जो नए कोर्सेज आ रहे हैं उनका लीडिंग पर्पज ये है कि ट्रेडिशनली बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर किया जाता था कि वो ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बेसिकली बिल्ट इन सपोजिशन यह है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑब्जेक्टिविटी की वजह से और अपने लीगल प्रोसीजर्स uh, की वजह से जिसे हम वेबरियन मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक हो गई हैं तो अब इम्पेरेटिव यह है कि ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट दैट प्रोडक्टिव

या ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप से होना चाहिए पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग स्टाइल जैसे हम पी कहते हैं या इंप्लॉई इन्वॉल्वमेंट कहते हैं तो ये थर्ड बेसिकली सिग्निफिकेंस कर्ट लिवाइन मॉडल की ये है कि हम अच्छी लीडरशिप के जरिए किस तरह इस चेंज को या चेंज के हवाले से जो रेजिस्टेंस सामने आ रही है इंडिविजुअल ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे उसको हम ओवरकम करें दिस इज थर्ड सिग्निफिकेंस बेसिकली नाउ फोर्थ पॉइंट बेसिकली इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के इवेंट्स की सीक्वेंसिंग बहुत मैटर करती है जिस तरह आप उसकी बड़ी सिंपल सी मैं आपको दूंगा कुछ कोर्सेज होते हैं जो बेसिक और फंडामेंटल हैं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं फिर कुछ मिड एडवांस लेवल कोर्सेज हैं जो आप ऑनवर्ड सब्सिक्वेंट सेमेस्टर्स में पढ़ते हैं और फाइनल सेमेस्टर में आप ऐसे कोर्सेज पढ़ते हैं जो इंटेग्रेटेड लेवल पे यानी सारे पिछले कोर्सेज का ज अज्यूम किया जाता है कि आपको आता है और अब आप फाइनल सेमेस्टर्स uh, 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 में एडवांस लेवल ऑफ कोर्सेज पढ़ते हैं तो ये बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक के पैटर्न पे एजुकेशन आप लोग हासिल करते हैं इसी चीज को आप यहां पर देख लें कि चेंज मैनेजमेंट टेक्निक्स का या जो थ्री स्टेज हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई की हैं और हमने थॉरली डिस्कस किया है उसमें एक सीक्वेंस है यानी सबसे पहले होगा अनफ्रीज दूसरी होगी मूवमेंट और थर्ड होगा रीफ्रीज तो आपको क्लियर कट अपने जेहन में ये अंडरस्टैंड करना है कि ये इस सीक्वेंस को आपने मेंटेन करना है फर्स्ट टू अनफ्रीज़ यानी पहले आपने साइकोलॉजिकल लेवल पे sort of डिस्कस डिस्क किया था इमोशनल स्टरअप यानी साइकोलॉजिकल लेवल पे आपने उसे इस बात पे आमादा करना है कि यू हैव टू चेंज वन हैजू चेंज सिस्टम हैजी चेंज तो जब वो ले आएंगे तो वह पहली स्टेज होगी जब तक आप फर्स्ट स्टेज पे आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो चेंज सक्सेसफुल नहीं होगी तो इट्स अ मैटर ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस जैसे सबसे पहले अनफ्रीज की स्टेज, स्टेज लाएंगे फिर आप चेंज मूवमेंट है जिसका हमने डिस्कस किया था आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन उसका है और फाइनल जो स्टेज है कि एक दफा बिहेवियर चेंज हो गया है सिस्टम चेंज हो गया है तो देन वी हैव टू गो फॉर बिहेवियर री एनफोर्समेंट यानी आप उस चेंज को स्टेबलाइज करना है और इस चेंज को कैसे सस्टेन करना है प्रॉब्लम इज हाउ टू गिव सस्टेनेंस इन ऑर्डर टू मेक ऑर्गेनाइजेशन हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन और आपने ये नोट किया होगा हर कुछ अर्से के बाद एक नया पैराडाइम आता है नई डॉक्ट्रीन आती है उसका पर्पस यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन uh, जो है वो एक हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे जाए हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी जाए उसकी एफिशंसी और इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाए ओके फिफ्थ इंपॉर्टेंट लेसन Of this uh, uh, Kurt Lewin model, basically, is that if you want to change attitude, change of attitude is desirable, and behavior will follow. Like attitude, basically, is a function. Behavior is a function of attitude. Behavior is a function of attitude. If you want to change behavior, you have to change attitude. Now, what is the difference between attitude and behavior? बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी यू हैव टू बी क्रिटिकली अवेयर ऑफ द फाइन डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर नॉर्मली बिहेवियर को हम देखते हैं और कहते हैं कि एक्शन लेवल पे जो चीज मैनिफेस्ट हो रही है वो बिहेवियर कहलाता है इंसान जैसे एक्ट करता है मैनेजर जैसे एक्ट करता है इंडिविजुअल जैसे परफॉर्म करती है एक्शन के लेवल पर उसे हम बिहेवियर कहते हैं बिहेवियर मैनिफेस्टेशन अब जो मैं एक्ट करूँ जरूरी नहीं है कि वही मेरे माइंड में हो खासतौर पे ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हों वो अपने इंडिविजुअल्स को या इम्प्लॉइज को या वर्कर्स को या डिफरेंट मैनेजमेंट टियर्स पे जो मैनेजर्स हों उनको क्योंकि समथिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इट इज बेसिकली इन अ डायरेक्टिव मोड के ऊपर से जो कहा जाता है वो अमल करते हैं और उनके बिहेवियर में वो बेसिकली मैनिफेस्ट होता है उन्होंने इस पर एक्ट करना है लेकिन जरूरी नहीं कि वो एटीट्यूडिनल बेसिकली वो ही चीज या वो वैल्यूज शेयर करें जो चीज टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है तो उसमें बेसिकली डिसनेंस आ जाती है या उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि जो आप अमल कर रहे हैं लेकिन आपकी जहन जो है वो उसका साथ नहीं दे है जहन कुछ और कह रहा है और आपका एक्शन कुछ और है तो एटीट्यूड को बेसिकली हम कहते हैं कि समथिंग विच ऑपरेट्स एट अ कोग्नेटिव लेवल यानी मेंटल प्रोग्रामिंग के लेवल पे एटीट्यूड फॉर्मुलेट होता है तो बेसिकली कर्ट लिवाइन मॉडल जो है वो इस चीज को डिफ्रेंशिएट करता है कि अगर आपने बिहेवियरल चेंज पर्पजली लानी है तो आपने एटीट्यूड चेंज करना है एटीट्यूड चेंज का मतलब है थिंकिंग के लेवल पे कॉग्नेटिव लेवल पे आपने चेंज लानी है अब इस हवाले से मैं थोड़ी सी एक बात आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो वेस्टर्न सोशल साइंसेज जो है इनका प्रॉब्लम क्या है इनका बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ये जितना लिटरेचर क्रिएट करते हैं वो सर्वे मेथड से होता है। सर्वे में आप देखते हैं कि इंडिविजुअल मैनेजर्स को या इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट्स को कहा जाता है सर्वे रिस्पॉन्डेंट्स के कि आप जो भी है सर्वे उसको आप फिलअप करें इन राइटिंग दें हमें कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फॉर इंस्टेंस आप जॉब सेटिस्फैक्शन को मैयर करना चाहते हैं तो मैनेजर कंसल्टेंट या मैनेजमेंट रिसर्चर जो है उसे इन राइटिंग कवरेज देते हैं और मैनेजर्स आर बेसिकली रिक्वेस्टेड टू गिव देयर फीडबैक इन राइटिंग अब इन राइटिंग में जरूरी नहीं है कि जो चीज आपके माइंड में है वो आप एसेंशियली जो आपके इंटेंशंस हैं वो रियली really मैनिफेस्ट कर रहे हैं सर्वे में फीडबैक जो आप मैनेजमेंट रिसर्चर या मैनेजमेंट स्कॉलर को दे रहे हैं तो ये थोड़ी सी कंट्राडिक्शन होती है कि समथिंग विच इज विच यू आर गिविंग इन राइटिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल तो प्रॉब्लम ये होता है कि वेस्टर्न सोशल साइंस रिसर्च जो एसेंशियली क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ थॉट या सर्वे बेस्ड मैथडोलॉजी के जिसे हम कहते हैं इंपेरिसम या पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट उसके जरिए नॉलेज क्रिएट करते हैं तो उसमें एक बेसिकली फ्लॉ है आजकल हालांकि ऐसी बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स आ रही हैं जो कि क्वालिटेटिव आस्पेक्ट को या इंटेंशन को या केस स्टडी मैथड जो है जो कि सर्वे का एक आ, काउंटर मैथड कंसिडर किया जाता है कि यह ज्यादा पावरफुल और ज्यादा इफेक्टिव मैथड है टू क्रिएट रियल नॉलेज समथिंग विच इज देयर इन रियल लाइफ लेकिन उसको जो साइंटिफिक स्कूल ऑफ थाट है या क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ थाट है या सर्वे मैथडोलॉजिस्ट जो है या पॉजिटिविस्ट उसको स्वीयरली क्रिटिसाइज करते हैं कि ये इसमें ज्यादा सब्जेक्टिविटी है इसमें जो साइंटिफिक आस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज हैं लाइक इसमें रिगर या इसमें ऑब्जेक्टिविटी या इसको इसकी पर्सनली जो है वो चैलेंज की जा सकती है तो यहाँ पर मैं इस चीज़ का थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि वेस्टर्न जो सोशल साइंस नॉलेज है उसमें डिबेट क्या चल रही है और उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं क्योंकि आप जितनी भी थ्योरीज देखते हैं लाइक हॉथ हॉर्न एक्सपेरिमेंट से लेकर आप मेस्लो थ्योरीज या आज की जितना भी लिटरेचर आप देखते हैं वो इसेंशली डोमिनेंट जो उसमें नॉलेज क्रिएशन पैराडाइम है वो है पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट लेकिन उसके जो कि सर्वे मेथड पे बेस कर रहा है लेकिन सर्वे मेथड उसमें थोड़े से ये प्रॉब्लम्स हैं कि वो इंटेंट को मैयर नहीं करता है। जब हम रिस्पोंडेंट को कहते हैं कि भाई तुम अपनी रियल थिंकिंग बताओ लाइक इन पेपर वो कुछ और डिस्क्राइब करेगा और माइंड में उसके एट uh, टाइम्स कुछ और होता है तो ये एक बेसिकली प्रॉब्लम uh, है कि सर्वे मेथड जो है वो क्वालिटेटिव आस्पेक्ट्स को मयर नहीं करता और इंटेंट को मैयर नहीं करता तो ये बेसिकली है कि वो एटीट्यूड को मयर करने का बेसिकली प्रॉब्लम है लिवेनियन मॉडल का बेसिक फोकस ये है कि अगर आपने एक्शन uh, चेंज करना है या बिहेवियर चेंज करना है तो उसके लिए एटीट्यूडिनल चेंज मस्ट है इन सिंपल वर्ड्स आप अगर आपने इंडिविजुअल का या मैनेजर का एक्शन जो मैनिफेस्ट हो रहा है उसकी परफॉर्मेंस में अगर आपका टारगेट है कि उसको चेंज करना है तो फिर उन्हें उसकी थिंकिंग जरूर चेंज करनी है तो थिंकिंग के बगैर एक्शन की जो चेंज है वो बड़ी यूजलेस किस्म की होगी इसलिए बेहतर यह है कि आपके उस माइंड को या मेंटल प्रोग्रामिंग को या साइकोलॉजिकल लेवल पे उसको अटैक करें और उसको चेंज करें और साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर चेंज आएगी तो वो फिर एक्शन की सूरत में जो मैनिफेस्ट होगी वह सस्टेनेबल होगी एज अगेंस्ट की आप सिर्फ एक्शंस को चेंज करें जैसा कि ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में होता है ये तो बात हो गई एटीट्यूडिनल और बिहेवियरल चेंज की अब जो फाइनल पॉइंट है और कर्ट लेवाइन मॉडल के जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इफ यू वांट टू चेंज द बिहेवियर यू हैव टू चेंज अ कॉन्टेक्स्ट अब इसका क्या मतलब है कॉन्टेक्सट यानी हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कॉन्टेक्स्ट है उसका एक इन्वायरमेंट है मेंबर्स ऑफ दर्गेनाइजेशन सही उस कॉन्टेक्स्ट को सेंस देते हैं और वर्ड्स जो हैं उस बारे में मैं आपको यह कम्युनिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि वर्ड्स आर कॉन्सेप्ट एंड दे आर मीनिंगफुल इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट यानी वर्ड्स जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट होते हैं और सर्टेन कॉन्टेक्सट में वो मीनिंगफुल होते हैं और सर्टन कॉन्टेक्स्ट में वो मीनिंगलेस हो जाते हैं फॉर इंस्टेंस अमेरिकन मैनेजमेंट में या अमेरिका में अगर आप या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्सेप्ट्स मीनिंगफुल हैं क्या वाकई वो अमेरिका पाकिस्तान में या पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में वैसे ही मीनिंगफुल हैं तो ये फिर ले जाता है हमें क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट की तरफ और या कंपैरेटिव मैनेजमेंट की तरफ जो कि एक एडवांस लेवल का कोर्स है और आप नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको भी देखेंगे तो इंपॉर्टेंट थिंग इस हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा टली वाइन ने यह कहा है कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग इन मीनिंगफुल बिहेवियरल चेंज यू और एनेबलिंग कॉन्टेक्सट तो उस कॉन्टेक्सट में ही वही बात मीनिंगफुल होगी इसी चीज को एक और स्कॉलर ने कहा बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी एंड एनवायरमेंट तो पिछला पॉइंट हम देखते हैं कि जहां पर कॉगनीशन लेवल पे या एटीट्यूडिनल और बिहेवियरल लेवल पे इंडिविजुअल को टारगेट किया गया था वो था बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ पर्सनालिटी उसको हम लमसम कह सकते हैं और यहां पे बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट यानी एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट जो चीज हमें दे रहा है उसके मुताबिक ही बिहेवियरल चेंज मीनिंगफुल होगी सस्टेनेबल हो, हो या नहीं होगी तो एक स्कॉलर ने यह कहा बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी एंड एनवायरमेंट अब इसमें दो चीजों पर डिबेट है चेंज मैनेजमेंट के हवाले से या मैनेजमेंट के हवाले से कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना चाहते हैं तो क्या इंडिविजुअल में चेंज लाई जाए उसके माइंडसेट में उसके कॉग्निशन लेवल पे या उसकी एटीट्यूडिनल एटीट्यूडिनल चेंज लाई जाए या बिहेवियर चेंज लाई जाए इंडिविजुअल इज मोर इंपॉर्टेंट और इट इज द इंस्टीट्यूशन विच इज मोर इंपॉर्टेंट ये बहुत दिब, बड़ी डिबेट है मैनेजमेंट में भी और सोसाइटी में भी कि क्या इदारे पहले तब्दील होते हैं और फिर इंडिविजुअल तब्दील होता है या इंडिविजुअल पहले तब्दील हो और फिर इदारों में या सोसाइटी में वो चेंज आएगी तो कर्ट लिवाइन का मॉडल की ये सिग्निफिकेंस भी है कि अगर बिहेवियरल चेंज हम चाहते हैं तो हम फिर उस इंडिविजुअल का या सिस्टम का सिस्टम हम कहते हैं इन जनरल चाहे सिस्टम का मतलब इंडिविजुअल भी हो सकता है इदारा भी हो सकता है सोसाइटी भी हो सकती है कम्युनिटी भी हो सकती है कोई पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है या प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेट सेक्टर एनजीओ ओ तो जनरली हम कहते हैं कि सिस्टेमिक लेवल पे फिर हम चेंज ले आए चेंज लाने के लिए जरूरी है कि हम उस सिस्टम का कॉन्टेक्स समझें तो कॉन्टेक्स समझे बगैर हम कोई भी चेंज प्रोग्राम या चेंज पॉलिसी या चेंज ऑब्जेक्टिव को हम अचीव नहीं कर सकते अब उस हवाले से क्लासिक क्लासिक्गजाम्पल पाकिस्तानी सोसाइटी uh, की है पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है पाकिस्तानी इवन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इंप्लीमेंटेशन के हवाले से हो सकती है कि पाकिस्तानी सोसाइटी का अपना एक हिस्ट्री है इसका एक कल्चर है इसकी ज्योग्राफी है और इसमें पोलिटिकल सिस्टम है उसका एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव कॉन्टेक्सट है तो जरूरी नहीं है कि जो चीज एक और डेवलप्ड कंट्री में सक्सेसफुल हो वो पाकिस्तान में भी सक्सेसफुल है तो हमें उस हवाले से उसके कॉन्टेक्स देख के फिर पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करनी है ओनली देन पॉलिसीज कैन बी मीनिंगफुल एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कैन बी सक्सेसफुल तो चेंज प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल उस वक्त होगा जब तक हम उस इदारे का या इंडिविजअल का या जिस लेवल पर भी हम चेंज लाना चाहते हैं उसका एक पूरा कॉन्टेक्स समझें कॉन्टेक्सट के बगैर महज ये कि एक चीज़ कामयाब है वो हो सकता है वो यूनिवर्सल हो यूनिवर्सल मीनस के यूरोप अमेरिका या किसी और फार ईस्टर्न इकॉनमी में एप्लीकेबल हो या वहाँ के बिजनेस उसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर रहे हूँ ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के लिए वैलड हो तो ये चीज़ हमें देखना लाजमी होगी कि कौन सी चीज़ जो है वो जनरल और यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी रखती है और कौन सी चीज़ वो कल्चर स्पेसिफिक है ये बेसिकली हमारे जितने भी चेंज प्रोग्राम फेल होते हैं वो इस हवाले से होते हैं कि हम कल्चरल या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल या नेशनल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करके कोई भी हम पॉलिसी uh, टूल उठा लें या चेंज प्रोग्राम उठा लें और उसे एज सच इन्फोर्स करने की कोशिश करें तो विदाउट कॉन्टेक्स्ट वी कैन नॉट इंप्लीमेंट तो कर्ट लिवाइन ने भी इसको इंफिसाइज किया है कि हमें इन ऑर्डर टू इनेबल चेंज प्रोग्राम चेंज ऑब्जेक्टिव्स वी हैव टू सी इट्स कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्सट में ही बेसिकली इनएबलिंग या डिसबलिंग एनवायरमेंट मौजूद होता है अब बात आती है कर्ट लिवाइन मॉडल की हमने बहुत सारी तारीफें देख ली के और उसके स्टेजेस uh, देख लिए और के वो किस तरह यूजफुल है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है अब मैं इस बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि कर्ट लिवाइन मॉडल एज सच कोई फुल प्रूफ थ्योरी या फुल प्रूफ टेक्निक नहीं है उसकी अपनी बहुत सारी सिग्नीफिकेंट uh, वीकनेस भी हैं सो so, हमें uh, ये आस्पेक्ट भी देखना है कि ये नॉलेज जो कर्ट लिवाइन मॉडल की सूरत में हमारे पास है ये किन अजम्पन्स पे बेस करता है हर थ्योरी की कोई ना कोई अजम्पन्स होती है हर नॉलेज की कोई ना कोई सपोजिशन बेस होती है तो अब हम देखते हैं कि कर्ट लेवाइन मॉडल की बेसिकली uh, क्या बेसिस uh, हैं या किन अजम्पन पे ये बेस करता है तो सबसे पहले हम देखेंगे और इसको हम क्रिटिकल परस्पेक्टिव uh, से देखेंगे कि कर्ट लेवाइन मॉडल के साथ बेसिकली uh, क्या प्रॉब्लम्स uh, हैं या uh, किस uh, हवाले उसकी एक्सटेंट क्या है कि किस एक्सटेंट तक ये एप्लीकेबल है और किस एक्सटेंट तक ये वैलिड है और अदरवाइज है तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि इसकी जो बेसिक अजम्पन है उसको डिफरेंट स्कॉलर्स ने टारगेट uh, किया है कि चेंज जो है इस कर्ली uh, मॉडल में अज्यूम किया जाता है कि ये लीनियर है अब लीनियर का क्या मतलब है लीनियर का मतलब समथिंग विच मूव इन स्ट्रेट पाथ अजम्पन ये है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स और स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है आप स्ट्रेट पाथ में है आ, इसका मतलब ये है कि आ, क्या रियल लाइफ ऐसे ही लीनियर होती है कि वट एवर वी डिजायर वट एवर ऑब्जेक्ट वी फॉर्मुलेट वी आर एबल टू अचीव डायरेक्ट रिलेशनशिप है चीजों के दरमियान रियल लाइफ तो कर्व ही लीनियर होते है लेकिन रियल लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउनस आते हैं वो कर्व की फॉर्म में भी होता है ठीक तो सबसे पहली जो एजम्पन है उसको टारगेट किया गया है कि कर्ट लिवाइन की जो बेसिक एजम्पन है कि uh, ये चेंज प्रोग्राम जो है वो लीनियर है या इस एजम्पन को बेसिकली चैलेंज किया गया है इसमें यह है चेंज मेक्स अ प्रोग्रेशन अब ये सेकेंड एजम्पन uh, को बेसिकली स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज किया है कि तो इसका मतलब है कि ये जो चेंज मॉडल है या चेंज टेक्निक्स हैं ये हमें ले जाएगी इन अ फ्यूचर स्टेट विच इज ऑलवेज बेटर देन द प्रीवियस स्टेट तो ये अजम्पन है कि जो हमारे फ्यूचर की जो डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स है या फ्यूचर में हम जिस लेवल तक पहुंचेंगे वो हमेशा हमारे पास्ट लेवल से बेहतर होगा अगर ऐसा हो फिर तो ऑर्गेनाइजेशंस को डिक्लाइन ही कभी ना आए फिर तो ऑर्गेनाइजेशन की कभी डेथ भी ना हो फिर तो इवन uh, सोसाइटीज uh, में कभी फॉल ही ना आए आप देखते हैं कि नेशन और सोसाइटीज जो हैं उनमें राइज एंड फॉल आता है तो फ्यूचर ज़रूरी नहीं है कि वो पास्ट की हालत से बेहतर हो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट नेशंस और सोसाइटीज़ या खुद हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्सट में देखें तो अक्सर यह कहा जाता है कि पास्ट का जो हमारा था इवन आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो इमीडिएट पास्ट था उसमें लॉ एंड ऑर्डर की या दूसरे इकनॉमिक डेवेलपमेंट की या दूसरी uh, कुछ इंडिकेटर्स अच्छे थे और अब जो है uh, कुछ इंडिकेटर्स जो हैं उसी हवाले से वो इतने अच्छे नहीं हैं तो वट इज़ दिस बेसिकली कि जरूरी नहीं है कि फ्यूचर स्टेट में आप प्रोग्रेस uh, करें और प्रोग्रेसिवली uh, मूव करें तो ये बेसिक एजम्पन है कि चेंज इज ऑलवेज बेटर एंड लीड इन अ प्रोग्रेसिव मैनर या प्रोग्रेस करेगी या नहीं लेकिन इस एजम्पन को स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज किया है थर्ड एजम्पन जिसको क्रिटिसाइज किया गया है वो ये कि यह मैकेनिस्टिक अजम्पन पे बेस करता है दैट इज के ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को डिटर्मिनिस्टिक परस्पेक्टिव से देखता है कि वो फैक्टर्स जो चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं अगर उन फैक्टर्स का इंटरप्ले ही डिजायर्ड चेंज की सूरत में मैनिफेस्ट होता है कि डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है ना कि ये कि ये हर हाल में एक फॉर सर्टेनिटी और मोस्ट ऑफ द टाइम आप वेस्टर्न नॉलेज अगेन मैं रेफर करूंगा कि वेस्टर्न सोशल साइंस नॉलेज ये है कि वो डिटर्मिनिस्टिक मोड में ही क्रिएट होता है और वो एक डेफिनेट और सर्टन सर्टेनिटी को इंश्योर करता है और वेस्टर्न नॉलेज बेसिकली ये इंश्योर करता है कि जो भी अगर हम किसी फंक्शन को ब्रेक डाउन करें उसके वेरियस वेरिएबल्स में तो जैसे ही उन वेरिएबल्स को हम इंटरप्ले करें या इंटरैक्ट करें तो हमें डिज़ायर्ड फंक्शन या डिजायर्ड थ्योरी या डिजायर्ड बिहेवियर हासिल हो जाए तो ये एक बेसिकली uh, प्रॉब्लम है वेस्टर्न नॉलेज का कि वो प्रिडिक्शन या प्रिडिक्टेबिलिटी की तरफ हमें ले जाता है तो मैके मैकेनिस्टिक एजम्पन को भी बेसिकली क्रिटिसाइज किया गया फोर्थ एजम्पन है गोल एजम्पन जिसको अगेन विच अट्रेक्टेड लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म बाय सम स्कॉलर्स गोल एजम्पन ये है कि चेंज मूवमेंट जब हम uh, करते हैं तो वो हमें डिजाइड एंड स्टेट ऑफ अफेयर या डिजायर्ड एंड गोल की तरफ ले जाते हैं हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि उस गोल में भी कुछ इंप्रोवाइजेशन होती, होती, तो object, uh, तो होती, होती है और चेंज मैनेजमेंट टेक्निक में भी इंप्रोवाइजेशन होती है तो नॉट नेसेसरली वट वी डिजायर एंड वट एवर द वे वी एक्ट वी आर एबल टू अचीव दैट एग्जैक्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव तो ये एक बेसिकली रियल लाइफ बड़ी है और इल uh, ऑर्गेनाइज होती है नॉट नेसेसरली के जो हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करें वही हम हासिल कर लें तो यह भी एक क्रिटिसिजम uh, uh, का पॉइंट uh, है इसमें बेसिकली एजम्शन यही है कि चेंज फॉर वॉट चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज या चेंज जो है वो डिजायर्ड एंड स्टेट की तरफ ले जाए तो बहुत दफा ये होता है कि इंसान या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन में जो चेंजेज़ आती हैं चेंज फ़ॉर द सेक ऑफ़ चेंज साबित होती है ख़ास तौर पर सोशल प्रेशर के तहत जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है उसमें ज़रूरी नहीं है फॉर इंस्टेंस कोई आप नया लैपटॉप का मॉडल ले लें कोई नया मोबाइल ले लें या नई ऐसी कोई फैशन रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एट टाइम्स कोई उसमें डिज़ाइर्ड के आप उस प्रोडक्ट में आप डिज़ाइर्ड फंक्शनैलिटी की वजह से ले रहे हैं या वो फॉर द सेक ऑफ चेंज या और वो क्योंकि एक सोशल uh, उसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा है इसलिए हम उसे एक्सेप्ट करते हैं तो मतलब चेंज इतनी ज्यादा फोकस्ड और ऑब्जेक्टिविटी ओरिएंटेड नहीं होती बल्कि बाज दफा रियल लाइफ में चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज होती है तो ये uh, जो चेंज मॉडल है वो अज्यूम कर रहा है कि नहीं हम हर वक्त हाईली फोकस्ड uh, और हाईली स्पेसिफिक होते हैं टू ब्रिंग द डिजायर चेंज ये चेंज मॉडल बेसिकली इमोशनल और साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट को इग्नोर करता है नेगेट करता है और इतनी ज़्यादा ह्यूमन लाइफ में इतनी ऑब्जेक्टिविटी होती एट टाइम्स नहीं है तो स्कॉलर्स ने इस चीज को भी बेसिकली क्रिटिसाइज uh, किया एक और एजम्पन जिसको क्रिटिसाइज किया गया है वो ये है सेपरेटनेस एजम्पन दैट इज चेंज मूवमेंट इज प्लैंड एंड मैनेज बाई पीपल अपार्ट फ्राम सिस्टम यानी यह चेंज जो मैनेजर्स हैं वो सिस्टम से बाहर हो के सोचते हैं और वो सिस्टम से सेपरेट होके एज इफ दे आर सेपरेट फ्रॉम द सिस्टम और फिर चेंज को सजेस्ट कर रहे होते हैं इनफैक्ट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता बल्कि हम उस सिस्टम का हिस्सा होते हैं और फिर हम चेंज सजेस्ट करते हैं इसका मतलब है जब हम चेंज कोई भी चेंज कंसल्टेंट है या चेंज मैनेजर है या चेंज एजेंट है वो सजेस्ट करता है तो वो भी बेसिकली रिलेटिव टू ऑर्गेनाइजेशन ही अपनी प्रिस्क्रिप्शन दे रहा होता है और वो एथनोसेंट्रिक होता है या बायसेज होते हैं तो ये मॉडल बेसिकली अज्यूम करता है कि जो चेंज कंसल्टेंट है वो जो भी सजेस्ट कर रहा है एज इफ ही इज सेपरेट फ्रॉम फ्राम ऑर्गेनाइजेशन और उनसे अपार्ट और अलूफ होके फिर ये एक मैकेनिकल लेवल पे कोई सजेशन प्रोपोज कर रहा है विच शुड बी एक्सेप्टेड एंड विच विल लीड टू एनहेंस लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी अब हम देखते हैं कि कुछ और मॉडल्स हैं जो कर्ट लिवाइन के इस मॉडल को बेसिकली एम्फिसाइज करते हैं और बेसिकली दूसरे जितने भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने जो डिफरेंट मॉडल प्रपोज किए हैं वो भी कर्ट लिवाइन के मॉडल से कितना मिलते जुलते हैं और कितने सिमिलर हैं और डिसिमिलर हैं तो एक और साहब यहाँ पे है बेखार्ड एंड हैरस इन्होंने भी इसी तरह थ्री स्टेज मॉडल दिया है उसका पहला ये है कि फर्स्ट स्टेज है द करंट स्टेट सेकेंड स्टेज इज द ट्रांजिशन एंड थर्ड स्टेट इज द फ्यूचर स्टेट अब इस मॉडल को अगर आप देखें तो करंट स्टेट में ये है कि हमारी एग्जिस्टिंग लेवल क्या है एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस क्या है एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है फिर ये है कि ट्रांजिशन ट्रांजिशन उसी को ही Uh, जो हम कर्ट uh, लिवाइन के मॉडल में हम देख चुके हैं कि uh, वो मूवमेंट को एड्रेस कर रहा है दैट फ्रॉम वन ऑब्जेक्टिव टू अनदर ऑब्जेक्टिव यू हैव टू मूव वो ट्रांजिशन उसको के तौर पे यहां पे ट्रांजिशन स्टेट आइडेंटिफाई की गई है और कर्ट लिवाइन मॉडल ने उसे मूवमेंट के तौर पे आइडेंटिफाई किया और फिर द फ्यूचर स्टेट थर्ड स्टेज इस मॉडल की बैकहार्ड एंड हारेस्ट किया फ्यूचर स्टेट जिसका मतलब है कि जो हमने विजुलाइज़ किया है जो कि हमारा डिजाइर्ड ऑब्जेक्टिव है कि हमने इस लेवल तक जाना है ये हमारे परफॉर्मेंस लेवल होना चाहिए इसी तरह एक और साहब हैं कैंटर एट ऑल उन्होंने इसी चीज को एक और पर्सपेक्टिव में प्रेजेंट किया है वो बेसिकली बेसिकलीट रिलेट्स मोर टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज वेल क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अगेन एक Uh, जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजर्स uh, का या स्ट्रेटजिस्ट का या कॉरपोरेट प्लानर्स का या सीईओ का वो ये है कि चेंज लाई जाए टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड चेंज लाई जाए सो एज टू सस्टेन कंपेटिटिव एडवांटेज उसमें पॉलिसी फॉर्मूलेशन बेसिकली आप स्ट्रेटजी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में जो चीज पढ़ते हैं वो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन uh, पढ़ते हैं या पॉलिसी फॉर्मुलेशन पढ़ते हैं फिर आप पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का फेज देखते हैं और फिर पॉलिसी इवेल्युएशन देखते हैं तो कैंटर एट ऑल ने भी बेसिकली यही दिया चेंज स्ट्रेटजिस्ट। अब यहाँ स्ट्रेटजिस्ट का जो वर्ड है उसका मतलब यह है कि स्ट्रेटजी में चेंज उसके ऑब्जेक्टिव में चेंज और उसकी वैल्यूज में ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज में चेंज और जो कंपेटिटिव एज है वो क्या Uh, but, किस तरह हम चेंज स्ट्रेटजीज के जरिए हम रिटेन uh, कर सकते हैं और सस्टेन कर सकते हैं अच्छा इस वंस यू फार्मुलेट अ स्ट्रेटेजी और उसमें अगर पॉलिसी लेवल पे कोई चेंजेस आई हैं और डेफिनेटली वो इंप्रूव परफॉर्मेंस के लिए चेंज सजेस्ट करते हैं स्ट्रेटेजिस्ट तो फिर चेंज इंप्लीमेंटर्स हैं क्योंकि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ये हमेशा कहा जाता है कि इट्स ईजी टू फार्मुलेट अ पॉलिसी बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट

उसमें कौन कौन सी रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनको ओवरकम किया जाए और वट वी हैव विजुअलाइज और जो भी हमने इन किया है या जो उसको हम जो हमारे विजन मिशन और ऑब्जेक्टिव्स का हमारा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं और जो चीजें हमने रिवाइज हैं अपडेट किया एनहैंस परफॉर्मेंस अगर हमने टारगेट किया है तो उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे कैसे फुलफिल किया जाए इसी तरह थर्ड जो इसी कैंटर और उसके बहुत सारे साथियों ने ये काम करके ये मॉडल प्रिस्क्राइब किया है वो है चेंज रिसपियंट्स यानी इस चेंज के रिसीव करने वाले कौन लोग हैं उनको भी जहन में रख के आपने चेंज पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने क्या एम्प्लॉज उसे रिसीव कर रहे हैं इस चेंज को या उसको कस्टमर कर रहे हैं या उसको सोसाइटी देख रही है या आ, स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स कौन लोग हैं जो इस चेंज को रिसीव करेंगे माइंडेड के ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप चेंज uh, इंट्रोड्यूस कराते हैं या चेंज को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं तो चेंज इम्प्लीमेंटेशन कुछ ना कुछ विनर्स और लूजर लाती है यानी कुछ लोग उस चेंज से बेनिफिट होंगे और कुछ लोग उस चेंज से लूज करेंगे यानी वो उनके हक में नहीं जाएगा और जो जाहिर है जिन लोगों के हक में ये न्यू चेंज पॉलिसी चेंज ऑब्जेक्टिव चेंज टेक्नोलॉजी चेंज या कोई भी सिस्टेमिक चेंज हो या स्ट्रक्चरल चेंज वो जब आप इंट्रोड्यूस करने जाएंगे तो जो लूजर है या जो अपने आप in uh, तो uh, so, को लूजर परसीव करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टेटस इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ जॉब लॉस इन टर्म्स ऑफ डाउन साइजिंग तो देज रेजिस्ट दिस टाइप ऑफ दे विल ऑलवेज रेजिस्ट चेंज तो चेंज को रेजिस्ट करेंगे इसलिए चेंज रिसिपियंट को कैंटर और उसके साथियों ने इस मॉडल में आइडेंटिफाई किया है कि चेंज रिसिपियंट को भी आइडेंटिफाई करना मस्ट है एक और साहब हैं, उनका नाम है गिमले ऑल एंड प्रोचेस्का उन्होंने इस चीज को इस तरह एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट फेज जो है वो है प्री कॉन्टेपलेशन दूसरी फेज है कॉन्टेम्पलेशन तीसरा फेज है एक्शन और चौथा फेज है मेंटेनेंस अच्छा ये मॉडल भी आप देख चुके होंगे कि कर्ट लिवाइन मॉडल से बहुत मिलता जुलता है इसमें फॉर इंस्टेंस अगर आप एक्शन की स्टेज देखें तो वो जो कर्ट लिवाइन मॉडल में मूवमेंट या चेंज मूवमेंट के तौर पे आइडेंटिफाई किया है उससे बहुत सिमिलर है मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है लास्ट स्टेज है वो अगेन रिफ्रीज के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है लेकिन जो फर्स्ट स्टेज है कर्टली मॉडल की अनफ्रीज़ और इस केस में हम देखते हैं प्री कॉन्टेम्पलेशन और कॉन्टेपलेशन तो इस ऑथर ने की ब्यूटी ये है कि इसने अनफ्रीज़ के कर्ट uh, लिवाइन की स्टेज को भी दो हिस्सों में तकसीम किया है वो ये कि प्री कॉन्टेम्पलेशन का मतलब है वेन यू आर अन ऑफ द नीड टू चेंज यानी चेंज ऑलरेडी हो चुकी होती है और आप रियलाइज नहीं करते कि आपने चेंज होना है या नहीं या ऑर्गेनाइजेशन ने चेंज बिहेवियर uh, ऑप्ट करना है या सिस्टेमिक चेंज की तरफ जाना है या नहीं और दूसरी उसकी स्टेज है जब आप रियलाइज करने कंटेम्पलेशन कंटेम्पलेशन के अगर आप सोचते हैं और फिक्र करते हैं रिफ्लेक्शन करते हो कि जनाब नीड इज देयर टू चेंज ये बेसिकली अनफ्रीज़ के ही uh, दो कंपोनेंट्स इसने उसको एक fine, एक किस्म की फाइन ट्यूनिंग कर दी है तो अनफ्रीज स्टेज इन करट लिवाइन मॉडल अगेन बेसिकली इज रिफ्लेक्टेड इन हेयर इन टू स्टेजेस उसको आप ब्रेक डाउन करें दो स्टेजेस में व्हेन द नीड इज नॉट फेल्ट बाय सिस्टम एंड सेकंड कंटेपलेशन फेज के जब सिस्टम रियलाइज कर रहा है uh, वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या कोई और एंटिटी हो सकती है कि जनाब अब चेंज आनी चाहिए अदरवाइज विल लैग बिहाइंड और अदरवाइज विल डाई और वट सो एक और मॉडल इस हवाले से हम देखते हैं वो ये है इज मॉडल उसका भी अगर आप देखें तो ये फोर स्टेप्स हैं

चेंज लाने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसिस हैं उस पे हमें गौर करना चाहिए इनफेक्ट जो चीज चेंज को रिजिस्ट करती है या चेंज को इनेबल करती है वो भी कॉन्सिक्वेंसिस हैं कि जब पार्टिसिपेंट्स या रिसिपिय फील करें कि जनाब ये चेंज जो है मेरे लिए फायदा होगी या मुझे विनर बनाएगी या ये चेंज मेरे लिए नुकसानदेह होगी या मुझे लूजर बनाएगी तो वो परसीव कर रहे होते हैं

कि कोई इवेंट है वो हमें रियलाइज़ कराता है कि जो चीज़ हम एंटिसपेट कर रहे हैं और उस डिज़ायर्ड uh, चेंज की हमें कन्फर्मेशन हो कि नहीं अब हम uh, ने ये चेंज uh, करनी है uh, और इसकी तरफ डेफिनेटली हमने मूव करना है अदरवाइज हमारा सर्वाइवल ख़तरे में है थर्ड फिर हम उसकी तरफ मूव करते हैं और कलमिनेट करते हैं और फिर हम उसके कॉन्सिक्वेंस भी बियर करते हैं तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर स्टेज एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक जाने में कोई ट्रिगर इवेंट होता है यानी कोई ऐसा इवेंट है जो कि आप जिसके बाद आप ये नीड फील करते हैं कि अब हमें दूसरी स्टेज में जाना चाहिए तो इसको हम ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं कि पर्सनलाइजेशन ऑफ दिस ट्रिगर तो एक ह्यूमन साइकी है कि जो भी इवेंट देखें तो उसकी आप रिकॉशंस या उसके कॉन्सिक्वेंसिस अपने लिए परसीव करते हैं फॉर एक्सटाम उसकी एग्जाम्पल में नेशनल बजट जो हर साल आता है उससे दूंगा कि बजट में हर आदमी डिफरेंट सेगमेंट्स डिफरेंट मार्केट डिफरेंट इंडस्ट्रीज और उसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ट्रेडर्स हैं या सैलरीड क्लास है या ऑर्डनरी कंज्यूमर है, uh, है वो बजट को अपने अपने पर्सपेक्टिव और अपने अपने कॉन्सिक्वेंसिस के हवाले से इंटरप्रेट करता है तो इसे कहते हैं कि वो क्या बजट वो ट्रिगर इवेंट है या इसके हवाले या इस हवाले से आप टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन देख लें या कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में देख लें या कोई और नया बिहेवियर या फैशन स्टाइल और फैड आप देख लें तो हम इवेंट को देख सकते हैं कि इवेंट किस तरह उसको पर्सनलाइज्ड uh, लेवल पे उसकी इंटरप्रटेशन क्या है इसी चीज़ को हम इस तरह भी देख सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स uh, के हवाले से जो लोग स्टडी करते हैं वो कहते हैं कि हर इवेंट की पोलिटिकल कॉन्सिक्वेंस होते हैं तो इस चीज को इजा बज मॉडल में बेसिकली पर्सनलाइजेशन ऑफ ट्रिगर कहा गया है तो ट्रिगर के कौन सा इवेंट है जो नेसेसिटेट करता है कि इदारे में चेंज लाई जाए ट्रिगर का मतलब यह है कि वो इवेंट जो नेसेसिटेट करता है कि नाउ चेंज इज इन एविटेबल और फिर हम हमारी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और वो फिर हम कर्टली मॉडल के तहत कि हम पहले वो सारी मेथोडोलॉजी ऑप्ट करें अन करें मूवमेंट करें और फिर उसके बाद रीफ्रीज करें तो ये था अब तक का हमारा सेशन तो मैं इसको रिवाइज करता हूँ कि अब तक हमने जो किया है आज के इस लेक्चर में वो ये है कि हमने कर्ट लिवाइन मॉडल को कंटिन्यू किया है जिसका प्रीवियस सेशन में हम डिटेल एनालिसिस कर चुके थे कि कर्ट लिवाइन मॉडल क्या है और इसकी इम्प्लीकेशन इम्पॉटेंट थिंग आज के सेशन में ये थी कि इसकी इम्प्लीकेशन और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इंडिविजुअल के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इसके बाद हम हमारा ये भी था कि आ, बेसिकली कर्ट लिवाइन मॉडल किन अजम्पन्स पे बेस करता है और अगर इसके कंस्ट्रक्शन में कोई आ, प्रॉब्लम्स हैं या कोई अजम्पन्स हैं आ, वो किस हद तक सही हैं और किस हद तक फॉल्टी हैं और किस हद तक वो रियल लाइफ के में रियल लाइफ में हमें, हमें चेंज फिना को और चेंज प्रोसेस को समझने में मदद दे सकती है इसके अलावा हमने ये भी देखा आज के सेशन में कि जो कर्ट लेवाइन का बेसिक मॉडल है वो किस तरह आने वाले दूसरे स्कॉलर्स ने भी उसकी तायद की है और उसकी कंफर्मेशन की है अपने अपने वर्ड्स में वो मॉडल्स भी हमने देखें कि मोर और लेस दीज मॉडल्स आर सिमिलर टू व्हाट कर्ट लेवाइन हैड ऑलरेडी प्रपोज्ड। इसके बाद मैं इन सारी डिबेट को अगर मैं कलमिनेट करूँ तो वो मैं दो वर्ड्स में दो या दो वेरिएबल्स में uh, चाहूँगा कि उसको मैं कलमिनेट करूँ वो ये है कि चेंज किसी भी इंडिविजुअल में या किसी भी इदारे में या किसी भी सिस्टम में वो बेसिकली दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है एक पहला वेरिएबल जो है वो मूड है मूड को हम सेल्फ से भी रिलेट कर सकते हैं वेदर इंडिविजुअल इज इन अ मूड टू चेंज हिमसेल्फ और हर और इट्स सेल्फ मे भी अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें और दूसरा वेरिएबल है डिस्पोजिशन

Uh, factors uh, considered responsible for bringing change with this i conclude my session and allah hafiz students